Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from lecture of computer science. Today, our subject is data communication and computer networks. आज का हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. पहले जब भी हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं तो उसके में जो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं वो कौन कौन से, हमने इसमें डिस्कस किया था. एक था हमारे पास सेंडर, एक था रिसीवर, मैसेज मीडियम और प्रोटोकॉल. बट इसको हम थोड़ा सा और डीप डिस्कस करते हैं कि इसी डिजिटल कम्युनिकेशन में या इसी डेटा कम्युनिकेशन में हम हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स और शामिल होते हैं जो कि इन तमाम कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं. अब इन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं जो हमारे पास किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं. वो हमारे पास ये हैं जिसके फिजिकल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, डायग्राम बनाई है ठीक है किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें हमारे पास है सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, सोर्स इनकोडर शामिल होता है, चैनल इनकोडर है और डिजिटल मॉड्यूलेटर. ठीक है, ये जो पहले पांच जो एलिमेंट्स बताए हैं सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर, सोर्स इनकोडर, चैनल इनकोडर, डिजिटल मॉड्यूलेटर. ठीक है, जो पहले पांच है ये तो हमारे पास सेंडर के बेस पर होते हैं, दोबारा ये एक चैनल. अब जब दोबारा रिवर्स सेंडर से जब रिसीवर को जाते हैं तो रिसीवर तक जब इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज रिसीव होता है तो उसमें भी ये पाँच कंपोनेंट्स, ये जो पाँच एलिमेंट्स हैं इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो उसको कंप्लीट करने में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन करने इसके लिए. अब सेंडर है, इससे पहले हम जो पढ़ते हैं मतलब सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर को पहुंच गया, सेंडर ने क्या सेंड किया, वो मैसेज सेंड किया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज था ये हमारे पास तीसरा कंपोनेंट. अब जिसके थ्रू सेंडर ने मैसेज को सेंड किया है रिसीवर को, जिसके थ्रू मतलब जो मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू सेंड किया था, वो हमारे पास चौथा कंपोनेंट कहलाता था ट्रांसमिशन मीडियम. अब इन सब को करने के लिए जो प्रोटोकॉल चाहिए होता है कि सेंडर किस वक्त मैसेज सेंड करेगा, ये सेंडर किन रूल्स को फॉलो कर कर अपनी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन को आगे कंप्लीट करेगा, और जो हमारे पास जो प्रोटोकॉल है, सेट रूल्स हैं, वो हमारे पास कहते हैं प्रोटोकॉल. ये तो हमारे पास फाइव बेसिक कंपोनेंट जो कि डेटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने में मदद करते हैं. बट जब सेंडर मैसेज सेंड करता है, जब सेंडर मैसेज सेंड तो कर दिया, बस सेंडर किस डिवाइस के थ्रू सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा, उसमें कैसे इनकोडिंग होती है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है, फिर हमारे पास कौन मॉड्यूलेटर से होकर वो अनलॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होती है. अब इसमें हमारे पास कुछ और भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सारी कम्युनिकेशन में हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं. ठीक है, अब इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. ओके, स्टार्ट करते हैं. हमारे पास कहते हैं फॉलोइंग आर द सेक्शंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. में डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ये हैं. सबसे पहले हमारे पास सोर्स. द सोर्स कैन बी एनालॉग सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल अ साउंड सिग्नल. देखें, जब भी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले किसी सोर्स का होना जरूरी है. जब तक कोई सोर्स नहीं है हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, अपने डेटा को या अपने किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते. अब जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल हमारे पास सोर्स है. जैसे हम बात कर रहे हैं, अब मैं बात करूँ ना आपके साथ, ठीक है, तो मेरे जुबान से या मेरे मुँह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, ये इस माइक्रोफोन के थ्रू होकर आपको रिसीव हो रहे हैं ना. अब इस माइक्रोफोन तक पहुँचने में जो ये मेरे मुँह से जो ये मेरी जुबान से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अब इस साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये भी बेसिकली एयर में ट्रांसफ़र होकर इस माइक्रोफोन तक पहुँच रहा है. अब जो इस जिस एयर के जरिए ट्रांसफ़र होकर माइक्रोफोन तक पहुँच रहा है, किस फॉर्म है, ये एनालॉग फॉर्म है. ये एक सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल्स को हम बोलते हैं. तो जो एनालॉग सिग्नल जो मेरे अल्फाज इस हवा के थ्रू सेंड होकर इस माइक्रोफोन में जा रहे हैं, उस माइक्रोफोन में किसी मीडियम के थ्रू होकर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस कंप्यूटर में कन्वर्ट होकर किसी भी वाईफाई डिवाइस के थ्रू होकर फिर आप तक रिसीव हो रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हो एक स्पीकर के थ्रू. ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये सिग्नल्स जो मेरे अल्फाजों के थ्रू सेंड होकर आपको मिल रहे हैं, जो सिग्नल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सोर्स है. अगर ये सोर्स ही हमारे पास ना हो तो मेरी इन्फॉर्मेशन माइक्रोफोन तक कैसे पहुँची, फिर माइक्रोफोन से फर्दर आप तक कैसे पहुँचेगी. ओके, ये तो पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, सोर्स. सेकंड एलिमेंट हमारे पास है इनपुट ट्रांसड्यूसर. अब व्हाट इज इनपुट ट्रांसड्यूसर,
दिस इज अ ट्रांसड्यूसर विच टेक्स अ फिजिकल इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन। इनपुट ट्रांसड्यूसर की हमारे पास ये माइक्रोफोन, जिसके जरिए मतलब कि डिजिटल कम्युनिकेशन है ना, ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिक्वायर होता है क्या, माइक्रोफोन, ठीक है, जो कि आजकल हर हेडफोन के साथ भी लगे होते हैं, आपके लैपटॉप में भी बिल्ट इन लगे होते हैं, आपके मोबाइल में भी बिल्ट इन माइक्रोफोन उसमें असेंबल होता है, ठीक है। अब अलग से भी माइक्रोफोन परचेज कर सकते हो, ले सकते हो, जैसे कि आप मस्जिद में या डिफरेंट फंक्शन में आप देखें उनके पास हाथ में माइक्रोफोन होता है, जिसके जरिए वो अपनी मैसेज को सेंड करते हैं, अपनी आवाज़ को सेंड करते हैं डिजिटल कैरियर के थ्रू ट्रांसफ़र होने के लिए। तो हमारे पास जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, वो जो फिजिकल इनपुट है, वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफोन। दिस ब्लॉक ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वेयर अ डिजिटल सिग्नल इज नीडेड फॉर फर्दर प्रोसेस। अब जो ये ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, इस इनपुट ट्रांसड्यूसर में हमारे पास एक और ब्लॉक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो किसके चाहिए होते हैं, जो इसमें हम क्या करते हैं, इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके फर्दर प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है, इसको भी, ये भी हमारे पास क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनपुट ट्रांसड्यूसर। वेल इस, अब ये जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं माइक्रोफोन से, जैसी हमारी सिग्नल्स अगर ट्रांसफर होते हैं, तो अगर ट्रांसफर करने के लिए भी उसको हम क्या चाहिए होता है, उसको उसको ट्रांसफर करने के लिए भी उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट होना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल में कन्वर्ट होगा तो फिर आगे जाएगा ना। क्या कहते हैं, अ डिजिटल सिग्नल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी सीक्वेंस। और जितने भी डिजिटल सीक्वेंस हैं, ठीक है, जितने भी डिजिटल सिग्नल्स हैं, वो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स जो ट्रांसफर होते हैं, वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, बाइनरी फॉर्म में, जीरो या वन की फॉर्म में, क्योंकि एनालॉग का काम तो सिर्फ यहाँ तक था कि माइक्रोफोन ने हमारे एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसको फिर आगे फर्दर डिजिटल बाइनरी में, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करके आगे फिर फर्दर उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी इनपुट ट्रांसड्यूसर में शामिल होते हैं। थर्ड जो उसका एलिमेंट है, जो कि सेंडर साइड पर होता है, वो हमारे पास क्या है, सोर्स इनकोडर, ठीक है। पहले था सोर्स, फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर, अब है सोर्स इनकोडर। अब सोर्स इनकोडर क्या काम करता है, द सोर्स इनकोडर बेसिकली कंप्रेसेस द डेटा इनटू मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। सोर्स इनकोडर का क्या काम है, कि वो आपके डेटा को जो कि एनालॉग फॉर्म में रिसीव हुआ है, उसको क्या करता है, उसको रिसीव करके फिर उसको, उसकी कोशिश ये होती है कि इसको मिनिमम बिट्स में कन्वर्ट किया जाए, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। सोर्स इनकोडर का क्या काम है, कि ताकि उसका साइज कंप्रेस हो, साइज छोटा हो अगर ट्रांसफर हो, अगर वो उसका साइज ज़्यादा होगा तो उसको ट्रांसफर होने में डिफिकल्टी होती है। इसलिए एक्सक्यूज मी, इसलिए सोर्स इनकोडर का काम क्या है, कि जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव हो रही है, ठीक है, एनालॉग फॉर्म में रिसीव हो रही है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ। इस प्रोसेस का मेन मकसद क्या होता है, ये प्रोसेस आपको हेल्प आउट करता है ताकि आपके बैंडविड्थ को इफेक्टिव यूटिलाइज किया जाए, आपके बैंडविड्थ को सही तरह से यूटिलाइज किया जा सके। उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि इट रिमूव्स द रिडंडेंट बिट्स, अननेसेसरी एक्सेस बिट्स, पार्ट दैट इज जीरोस। ये क्या काम करता है सोर्स इनकोडर, कि आपकी बैंडविड्थ में जो अनरिडंडेंट बिट्स, मतलब कि जो ऐसे बिट्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक बिट बार बार यूज हो रहे हैं, उन रिडंडेंट बिट्स, ये जो अननेसेसरी बिट्स को क्या करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, उनको खत्म करते हैं, उन जीरोस को रिमूव करते हैं, ताकि उसका साइज कम हो जाए और वो जिस फॉर्म है उसी फॉर्म में आगे ट्रांसफर हो सके। तो सोर्स इनकोडर का ये काम है। चौथा जो उसका एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड चैनल इनकोडर। अब सोर्स इनकोडर ने तो आपके माइक्रो, आपकी जो साउंड ने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की उसमें से किया ना, अब चैनल इनकोडर क्या काम करते हैं, कि जो कि मीडियम के ऊपर से इनकोडिंग करते हैं। द चैनल इनकोडर डज द कोडिंग फॉर एरर करेक्शन। चैनल इनकोडर का मेन पर्पस क्या है, वो आपकी कोडिंग में से एरर करेक्शन को, उसमें एरर करेक्शन करते हैं, मतलब एरर को रिमूव करते हैं। During the transmission of the signal, due to the noise in the channel, the signal may get altered, and hence to avoid this, the channel encoder adds some redundant bits to the transmitted data, and these are the error correction bits. अब channel encoder का काम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब transmission होती है तो transmission में कोई ना कोई noise होती है, उस channel में, उस medium में कोई ना कोई side की noise आ रही है। जैसे मैं बात करूँ आपके साथ, तो मैं सिंपल आपसे बात करने के लिए, आपकी ये लेक्चर को रिकॉर्ड करने के सिंपल जूम का सहारा ले रहा हूँ।
अब इसमें कोई चैनल इनकोडर शामिल नहीं है, इस सॉफ्टवेयर में कोई चैनल इनकोडर शामिल नहीं है। मतलब मैं आपसे बात करूं तो बाज को ऐसे हो सकता है कि मे बी मेरे रूम में कोई बच्चा आ जाए, या बाहर से कोई सी परिंदे की आवाज़ आ जाए, या किसी गाड़ी की आवाज़ आ जाए, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन भी मेरी रिकॉर्डिंग में ऐड हो सकती है। तो इन सब को रिमूव करने के लिए हमारे पास चैनल इनकोडर होता है। वो क्या काम है कि जो जितनी भी सराउंडिंग बिट्स, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से जितनी भी नॉइसेस इसमें ऐड हो रही हैं, जो कि डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकती हैं, इसको रिमूव करने के लिए, इसको जो रिमूव करता है वो क्या करता है, वो चैनल इनकोडर्स को रिमूव करता है। तो उसको रिमूव करने के लिए वो किसी रिडंडेंट बिट्स का सहारा लेकर उसकी ट्रांसमिशन में ऐड करता है, ताकि वो ट्रांसमिशन में से जितने भी एरर्स हैं वो रिमूव हो सके, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दीज आर द एरर करेक्टिंग बिट्स, जिन बिट्स के जरिए, जिन बिट्स को ऐड करके वो इस नॉइस को रिमूव कर, इस नॉइस को रिमूव किया जाता है। इन बिट्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एरर करेक्टिंग बिट्स। इसके आगे हमारे पास है एक और इसमें एलिमेंट्स में यूज दैट इज कॉल्ड डिजिटल मॉड्यूलेटर। अब डिजिटल मॉड्यूलेटर का क्या काम है, देखें मैं रियल लाइफ से थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले सोर्स था, ठीक है, सोर्स में हमारे पास सिग्नल शामिल थे, फिर हमारे पास आया जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट, हमारे पास था इनपुट ट्रांसड्यूसर, आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ने क्या कि उस चैनल्स को, माइक्रोफोन ने क्या काम किया कि आपकी नॉइस को, आप सॉरी आपके जो ये साउंड है, सिग्नल्स हैं, इसको रिसीव किया, फिर आगे ट्रांसफर किया। बट रिसीव करने के साथ साथ ही उसमें एक इनकोडर शामिल होता है, सोर्स इनकोडर, कि जो कि उसकी बैंडविड्थ को, बैंडविड्थ को सही तरह से यूटिलाइज करके उसमें से अननेसेसरी बिट्स को रिमूव करके उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर आगे जब फॉरवर्ड करता है, तो आगे फॉरवर्ड करने के लिए उसे एक मीडियम की का सहारा लेना पड़ता है। मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। अब जिस मीडियम के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, उस मीडियम में भी एक चैनल इनकोडर होता है। कि चैनल इनकोडर क्या काम करते हैं, उसका मेन पर्पज़ क्या है, उसका मेन पर्पज़ ये है उसमें से अननेसेसरी बिट्स को या जो नॉइस सारा है उसको रिमूव करके आगे फॉरवर्ड किया जा सके। जब आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो आगे फॉरवर्ड होने के बीच में एक आगे फिर एक बार पास एक डिजिटल मॉड्यूलेटर आता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जितना भी सेंडर ने जितना भी सिग्नल्स को सेंड किए, वो हो सेंड हो रहे हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं एनालॉग फॉर्म में। अब इस एनालॉग को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मेन पर्पस क्या होता है कि वो आपके एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल में, और फिर रिसीविंग एंड बॉडी दोबारा वही मॉड्यूलेटर यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। वो डीमॉड्यूलेटर क्या काम करते हैं, उन दोबारा उन डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में, ताकि आगे उसको सेंड किया जा सके। तो मॉड्यूलेटर जब एनालॉग से, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त ये डिवाइस कहलाती है मॉड्यूलेटर। और ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग, ठीक है। फिर रिसीविंग एंड पर भी ये मॉड्यूलेटर काम क्या करता है, ये दोबारा डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग में, जिसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डीमॉड्यूलेटिंग। ओके, तो डिजिटल मॉड्यूलेटर का क्या काम है, कहते हैं द सिग्नल टू बी ट्रांसफर इज मॉड्यूलेटेड हेयर बाय अ कैरियर। जितने भी सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसमिट होते हैं किसी भी, या ट्रांसमिट होकर मॉड्यूलेट किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं किसी भी कैरियर के थ्रू। जैसे एग्जांपल आपके घर में लगा हुआ वाईफाई, जो हमारे घर में जो डिजिटल वाईफाई मोडेम्स लगे हुए हैं, जो डिजिटल मोडेम लगे हुए हैं, ये बेसिकली जो मोडेम है इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। मोडेम बेसिकली मोडेम का मतलब ही मॉड्यूलेटर, ठीक है। मोडेम में से आप जो उसके पहले तीन वर्ड्स हैं MOD, इट दिस इज स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, क्लियर। तो ये मोडेम है, ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये आपके डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, सॉरी एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल में। फिर जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, उस वक्त ये डिवाइस क्या काम करते हैं, उन डिवाइस क्या काम करती है, दोबारा उन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है एनालॉग में। तो मुझे एक डिवाइस जो आपके घर में ये डिवाइस लगी हुई है, जिसको आप बोलते हैं ये जो आप डिवाइस यूज़ करते हैं घर में, ये वाईफाई डिवाइस, या जो मोडेम यूज़ करते हैं, जो मोडेम लगे हुए हैं आपके पास, जो आपके घरों में लगे होते हैं, पिट सेल के वाईफाई मोडेम लगे होते हैं, या आपके पास आप अपने साथ जो कैरी भी करते हैं, जैसे जोंग की हो गया, आपके पास ये वो ब्लिंक की डिवाइस हो गई, ये सारी डिवाइस हमारे पास कहते हैं मोडेम, जो कि मॉड्यूलेटर का भी काम करती हैं और डीमॉड्यूलेटर का भी काम करती है। द सिग्नल इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू एनलॉग फ्रॉम डिजिटल सिक्वेंस इन ऑर्डर टू मेक इट ट्रेवल थ्रू द चैनल और मीडियम। डिजिटल मॉड्यूल का काम क्या, मॉड्यूलेटर का क्या काम है, ये आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है, एनलॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है डिजिटल में, ताकि उसको आगे ट्रांसफर किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड चैनल, ठीक है। यहाँ तक तो आपके पास हो गया सोर्स से इनपुट ट्रांसड्यूसर, इनपुट ट्रांसड्यूसर पे सोर्स इनकोडर, फिर चैनल इनकोडर,
फिर डिजिटल मॉड्यूलेटर। अब डिजिटल मॉड्यूलेटर के पास हमारे पास क्या चैनल, वो पाथ या वो मीडियम जिसके जरिए अब इन्फॉर्मेशन सेंड होगी आगे। द चैनल आर अ मीडियम अलाउज द एनालॉग सिग्नल्स यू ट्रांसमिट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर एंड टू द रिसीवर एंड। चैनल या मीडियम क्या काम करती है, आपको अलाउ करती है कि ताकि सेंडर अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सके रिसीवर तक। सेंडर से जो रिसीवर तक जो इन्फॉर्मेशन सेंड होती है उसके बीच का जो मीडियम है वो मीडियम या जो फिजिकल पाथ है दिस इज कॉल्ड चैनल। जो फिजिकल पाथ या जो चैनल है ये आपके पास हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, हमारे पास वायरलेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये याद है ठीक है। मतलब कि वो कोई भी ट्रांसमिट केबल हो सकती है, कोई भी कॉजल केबल हो सकती है, या कोई भी फिजिकल पाथ नहीं या कोई भी फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है। अगर हम वायरलेस की बात करें तो ये कोई रेडियो वेव सिग्नल्स भी हो सकते हैं, ये माइक्रोवेव सिग्नल्स भी हो सकते हैं, और ये इंफ्रारेड वेव सिग्नल्स भी हो सकते हैं। अब दूसरे एंड पर हमारे पास दोबारा यूज होता है डिजिटल डिमोडुलेटर। ये दोबारा रिवर्स हो रहे हैं, कहते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप एट रिसीवर एंड। ये पहला स्टेप है रिसीवर की तरफ। द रिसीव सिग्नल इज डिमोडुलेटेड एज वेल एज कन्वर्टेड अगेन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड द सिग्नल गेट्स रिकंस्ट्रक्टेड हियर। जैसे सेंडर ने सेंड किया मॉड्यूलेटर के जरिए सेंड किया रिसीवर को, अब रिसीवर में रिसीविंग एंड पर भी एक डिवाइस लगी थी, उसको बोलते हैं डिमोडुलेटर। डिमोडुलेटर क्या काम कर रही है, दोबारा उन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रही है दोबारा किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये सिग्नल दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। फिर चैनल डिकोडर। चैनल डिकोडर का काम क्या, काम क्या है कि द चैनल डिकोडर आफ्टर डिटेक्टिंग द सीक्वेंस डज सम एरर करेक्शंस। द डिस्टॉर्शन व्हिच माइट अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आर करेक्टेड बाय एडिंग सम रिडंडेंट बिट्स एंड दिस एडिशन ऑफ बिट्स हेल्प्स इन द कंप्लीट रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। जैसे कि जब सेंडर ने सेंड किया था चैनल इनकोडर के थ्रू जिसने उसमें अननेसेसरी बिट्स को आगे किया, इसी तरह जब रिसीविंग एंड में मिलती है ना तो ट्रांसलेशन होने के बाद जब दोबारा सिग्नल डीमोडुलेशन से गुजर के मतलब डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं तो उन जो हम जिस फॉर्म में सिग्नल सेंड हुए होते हैं चैनल इनकोडर का मेन पर्पज़ क्या होता है कि उसको उसी फॉर्म में वापस रिसीव भी किया जा सके। उस सिग्नल जो सेंड हुए थे उसी फॉर्म में या उसी उसके जो उसकी क्वालिटी में दोबारा रिसीव हो सके। तो ये क्या काम करते हैं, किसी बिट्स की वजह से कुछ बिट्स की बेस के ऊपर ये क्या करते हैं उस डिस्टॉर्शन को रिमूव करके दोबारा उसको वापस रिस्टोर करते हैं ताकि ये जो सिग्नल है ओरिजिनल सिग्नल जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में वो हमें रिसीव हो सके। तो चैनल डिकोडर का ये काम है। इसके बाद सोर्स डिकोडर है। सोर्स डिकोडर क्या काम करते हैं, द रिजल्टेंट सिग्नल इज वंस अगेन डिजिटाइज्ड बाय सैंपलिंग एंड क्वांटिटाइजिंग सो दैट अ प्योर सिग्नल प्योर डिजिटल आउटपुट इज ऑब्टेन विदाउट लॉसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। द सोर्स डिकोडर रिक्रिएट द सोर्स आउटपुट। सोर्स डिकोडर का मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि दोबारा उन डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में ताकि जो इन्फॉर्मेशन लॉस हुई हो वो लॉस ना हो सके, उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव किया जा सके। तो ये काम कौन करता है, सोर्स डिकोडर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर कौन सा होता है, दिस इज अ लॉस ब्लॉक विच कन्वर्ट्स अ सिग्नल इनटू द ओरिजिनल फिजिकल फॉर्म विच वॉज एट द इनपुट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू फिजिकल आउटपुट फॉर एग्जाम्पल लाउड स्पीकर। जो लास्ट हमारे पास के डिजिटल ट्रांसड्यूसर मतलब चैनल डिकोडर और सोर्स डिकोडर की हेल्प से जो सिग्नल्स हमें रिसीव होते हैं वो रिसीव हो उसके दोबारा जिस फॉर्म में जब हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल जब ट्रांसमिट हुए थे सोर्स की मदद से ठीक है सोर्स की हेल्प से या माइक्रोफोन की मदद से जब वो सेंड हुए थे अब उन्हीं ओरिजिनल सिग्नल्स दोबारा हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ लाउड स्पीकर। और जो लाउड स्पीकर है ये हमारे पास क्या है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। फिर लास्ट में हमारे पास क्या है आउटपुट सिग्नल एंड दिस इज द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द होल प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल द साउंड सिग्नल चिप। ये वो आउटपुट है जो कि वो सिग्नल्स हैं जो कि हमें लाउड स्पीकर से निकलते हैं और फिर हम उसको अपने कानों के जरिए हम उसको सुनते हैं। वो जो ओरिजिनल सिग्नल्स हैं हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी डिवाइस यूज हों कि जिस फॉर्म में सिग्नल सेंड हो रहे हैं ट्रांसफर हो रहे हैं उस ओरिजिनल फॉर्म में वो दूसरी जगह आउटपुट में वो प्रोड्यूस हों। इसकी सेम एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे आप हम टेलीफोन में किसी भी अपने अपनों की बंद आवाज़ को पहचान लेते हैं, हम उसको ऐसी तरह ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जैसे हम बात करें मैं फ़ोन पर बात करूँ अपने स्टूडेंट से या कोई लेट्स सपोज फॉर शाबान से बात करूँ तो जैसे मैं फ़ोन रिसीव करूँगा तो मैं उसकी उसका नाम पूछने से पहले मैं पहचानूँगा भाई हाँ दिस इज़ शाबान। क्यों, क्योंकि वो जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन वो उसी फॉर्म में मुझे रिसीव हुई जिस फॉर्म में सेंड हुई है।
तो अगर लेट्स सपोज इसमें कोई एरर आए हो, इसमें कोई करेक्शन एरर आए हो या इसमें कोई मसला आए हो, तो मतलब मैं पहचाना सकता कि भाई ये शावन है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। ये जो आपका रिकॉर्डिंग है मैंने आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिए। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।